गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ विवेक यादव। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ा चुके हैं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आप नाम से ही जानते हैं, क्या काम करता है ये? कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। देखिए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्किन है, मसल्स है, बॉन्स है ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहते हैं? ये कनेक्ट रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। जैसे हमारा ये हाथ, देखो हम इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, तो ये हाथ के ऐसा तो है नहीं कि स्किन इधर जा रही हो, बॉन इधर जा रही हो। स्किन, मसल्स, बॉन्स सारी एक साथ ही मूव कर रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैसा है? कनेक्ट है, ठीक है। दूसरा काम, कनेक्टिव टिश्यू बेटा क्या करता है? बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग, सपोर्टिंग है ना, पैकिंग का काम करता है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू का काम है, किसी चीज़ को पैकिंग करना, बाइंडिंग करना, ठीक है। इनकी जो सेल्स हैं बेटा, इनमें थोड़ा सा स्पेस होता है ना, इंट्रा सेलुलर स्पेस पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कनेक्टिव टिश्यू? दे कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। क्या करते हैं? वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा बेटा? ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा, सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए बाइंडिंग, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, ठीक है, कॉमा पैकिंग मटेरियल, ठीक है। यानी कि बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। थर्ड, इनकी जो सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है, वो क्या रहती हैं? एम्बेडेड रहती हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। सेल्स आर एम्बेडेड, कैसे, किस तरीके से? देखो जैसे ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं वो किसी न किसी मैट्रिक्स के अंदर, कोई मीडियम होगा, किसी न किसी मीडियम के अंदर ये एम्बेडेड रहेंगे। ये क्या है? ये मीडियम है, ठीक है। अब वो मीडियम कैसा हो सकता है बेटा? सॉलिड भी हो सकता है ना, जेली लाइक भी हो सकता है ना, फ्लूइड भी हो सकता है, कैसा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड थिंग है बेटा, सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स या इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। मैट्रिक्स मे बी सॉलिड, जेली लाइक एंड फ्लूड। मैट्रिक्स मे बी सॉलिड, जेली लाइक एंड फ्लूड, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के बेटा? सबसे फर्स्ट है एरियोलर, ठीक है, स्केलेटन, फ्लूइड, एडिपोज,
ठीक है, एरोला कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर भी बेटा दो टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस। ठीक है, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये डेंस भी टू टाइप के होते हैं। डेंस क्या क्या होते हैं बेटा, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, स्केलेटन बेटा देखिए दो टाइप के ये भी होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, फ्लूइड देखिए ये भी टू टाइप के हैं बेटा, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा आपके, ऐसे टिश्यू जो फैटी टिश्यू, जो कैसे फैटी टिश्यू हैं, जो फैटी सेल से मिलकर बनते हैं, उनको हम एडिपोज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, लूज और डेंस टू टाइप के हैं। ठीक है, लूज क्या है, इनकी सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड रहती हैं और जेल लाइक मैट्रिक्स में एम्बेड रहती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बेटा बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, स्किन और मसल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, स्किन और मसल्स को ये कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये स्किन और मसल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ रहे हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्किन और मसल्स को कनेक्ट करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अकरेंस क्या है, ये अकर्स बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्किन और मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इनका काम हो गया आपका स्किन और मसल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से डेंस जो हमने बताया आपको कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस में क्या है बेटा, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है बेटा, इसमें आपके दो टाइप के आपने पढ़े, एक तो है आपका टेंडन, ठीक है, और एक है आपका लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडन का काम क्या है, ये मसल्स को किससे कनेक्ट करेगा, बोन से, एमटीबी से याद रखिएगा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, कौन, टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, किससे करेगा, बोन से, कौन, टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है बेटा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बेटा बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करेंगी, लिगामेंट। ठीक है, तो ये है लिगामेंट, देखिए BLV के नाम से आप याद कर लीजिएगा इसको, शॉर्ट फॉर्म BLV है ना, टेंडन के लिए MTB याद रखिएगा और ये BLV। टेंडन क्या करेगा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, जैसे कोई जॉइंट होता है आपका इस तरीके से, ये कोई जॉइंट है देखो, ठीक है, और दूसरी बोन, एक बोन ही है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट रहेंगे किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, इस तरीके से यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ होंगी ये इस तरीके से, तो इनको हम बोलते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई बोन। ठीक है, ये भी क्या हो गई, बोन। ठीक है, तो बोन को बोन से कनेक्ट कौन करेगा, लिगामेंट। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे एरियोलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एडिपोज, फ्लूइड और स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यूज के बाद पढ़ाएंगे बोन और कार्टिलेज इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।